नाम वालेकुम जी, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ग्रिफ्स का फोर्थ एडिशन है। प्रॉब्लम है 3.18, चैप्टर 3 चल रहा है पोटेंशियल का। वो कहता है सपोज करो पोटेंशियल कांस्टेंट है वी नॉट ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब इससे पहले हम एग्जांपल 3.6 और 3.7 में पोटेंशियल इनसाइड और आउटसाइड द स्फीयर निकाल चुके हैं। अब वो हमसे मांग रहा है कि आपके पास यानी साबित करना है कि पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है सर्फिस पर। ठीक है जी, वो कहता है पोटेंशियल बताओ इनसाइड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल ऑफ द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट, और आप कहता है एग्जांपल 3.9 को यूज करो। अब हम जानते हैं इनसाइड स्फीयर हमने जो कंडीशन बनाई थी, हमने पढ़ा था कि आर जीरो होगा तो आपके पास जो बी है एक्सपैंड हो जाएगा, हम बी वाली टर्म को खत्म कर देंगे एक्सपेंशन में, तो ये टर्म सिर्फ आपके पास आ जाएगी। यहाँ से एल की कीमत हमने वहां पे निकाल ली थी 2L+1 2RL, इसमें ये मल्टीप्लाई दोनों तरफ करके निकाला था वी नॉट पी एल कॉस थीटा साइन थीटा वी नॉट थीटा वी थीटा के बराबर आएगा जब हम इसे 1 की टेंपरेचर ले लेंगे। तो अब आपके पास ए एल बराबर आ जाएगा वी नॉट कांस्टेंट होने में आपसे पाई ले लिया, 0 से पाई तक इंटीग्रल करेंगे, इस सारे इंटीग्रल का जवाब आपके पास हम कहेंगे 0 आएगा अगर एल 0 नहीं है और 2 आएगा अगर एल 0 है। तो हम कह देते हैं ए एल 0 है यानी आपके पास है और ए एल वी नॉट है अगर आपके पास एल नॉट है, वो यहाँ से वैल्यू प्लेस करके बताया जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये सारा 2 आएगा, 2 2 से कट जाएगा, तो ये आपके पास सिंपल यहाँ से ये आर नॉट 0 के 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, फिर वी नॉट आ जाएगा आपके पास। तो वो कहते हैं इस वैल्यू को वापस ले जाते हैं जनरल फॉर्म में, ये जो जनरल फॉर्म हमने बनाई थी इसमें 0 और एल 0 ही लगाना पड़ेगा, अगर 0 के अलावा किसी वैल्यू पर जवाब नहीं आएगा तो आपके पास ये आ जाएगा ए नॉट आर नॉट पी नॉट कॉस थीटा, तो ये वी नॉट के बराबर आ जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू तो वी नॉट है ना जब हम एल 0 लगा रहे हैं, तो इस जगह ए की जगह वी नॉट आर नॉट 1 आ जाएगा, पी नॉट कॉस थीटा तो किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो यहाँ से ये वी नॉट के बराबर आ जाएगा। तो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द स्फीयर है। अब आउटसाइड द स्फीयर बात करें तो हम पढ़ चुके हैं आर इनफाइनाइट होता है, आर इनफाइनाइट होगा तो एल वाली टर्म खत्म हो जाएगी, फिर बी सी वाली टर्म रह जाएगी। डी एल की कीमत हमने यहाँ से जो ए एल की कीमत निकाली थी इसमें हम डी एल की कीमत लगा देंगे, हम जान सकते हैं कि ए एल यहाँ पे ए एल इसके बराबर होता है आर प्लस एल 12+1 के साथ लग जाएगा, यहाँ से नॉट फिर बाई निकाल देंगे, अगेन वही कंडीशन आ जाएगी कि एल 0 नहीं है तो 0, एल 0 तो आर वी नॉट लग जाएगा, इसका मतलब वी नॉट की वैल्यू हम प्लेस कर सकते हैं इस जगह पे। तो वो जब हम एल 0 प्लेस करेंगे तो एल 0 प्लेस करने के बाद वी आर थीटा बराबर आ जाएगा आर वी नॉट ओवर आर। ठीक है, हम कहेंगे ये इस सरफेस पे तो वो वी नॉट के इक्वलेंट आ जाएगा क्योंकि छोटा आर बड़े आर के बराबर हो जाएगा, वो कट जाएंगे तो सिर्फ वी नॉट ही बचेगा आपके पास। बी पार्ट पे चलें तो अब हम जनरलाइज टूल जानते हैं कि इनसाइड द रेडियस इनसाइड द स्फीयर ये टूल ज्यादा होता है, आउटसाइड द स्फीयर ये टूल ज्यादा होता है, बी एल बराबर होता है एल टू आर एल प्लस वन के। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें 3.9, उसमें हमने ए एल को इसके बराबर लाए थे कि एल जीरो अगर होगा तो आर रो नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ए एल की वैल्यू इसमें डाल के बी एल भी निकाला जा सकता है, तो वो दोनों वैल्यू निकाल लेंगे तो आर सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और जब हम ए की वैल्यू बी एल में डाल के बी एल निकाल लेंगे तो आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 1/r आ जाएगा, और इसमें अगर हम क्यू की वैल्यू लेके चले जाएं 4πr²εr, तो ये इस चक्कर में लिखा जा सकता है कि 1/4πε0 बच जाएगा q/r, ये इनसाइड आ जाएगा और आउट साइड भी आपके पास छोटा आर बड़े आर की जगह छोटा आर लग जाएगा, तो ये राइट आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, ओके अल्लाह हाफिज़।